उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद का कार्यभार सवाल लेने के बाद माननीय अंकुर यादव जी ने किया ताखा ब्लॉक का निरीक्षण। शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे माननीय अंकुर यादव उत्तर प्रदेश सहकारी नवनिर्वाचित समिति अध्यक्ष जी ने किया ताखा ब्लॉक का निरीक्षण। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इससे पहले इस पद पर मेरे पिता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी थे, उन्होंने काफ़ी कुछ किया। अब यह पद हमको संभालने को मिला है तो मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा। और उन्होंने बताया कि हमारे पिता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी समय दिया। 11 अक्टूबर के बाद अब फैसला होगा कि हमारी पार्टी क्या निर्णय लेगी। साथ ही उन्होंने वर्तमान सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान सरकार है वह ना किसानों के हित की बात कर रही है, ना युवाओं के रोजगार की बात कर रही है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और 2022 में हम सभी दल मिलकर ऐसी सरकार का बहिष्कार करेंगे। मौजूद रहे ब्लॉक प्रमुख ध्रुव यादव, चीनी सहकारी समिति अध्यक्ष ताखा अशोक यादव, ब्लॉक अध्यक्ष सचिन यादव, अनुज शाक के ब्लॉक महासचिव राहुल यादव इत्यादि लोग मौजूद रहे। उस राहार से गौरव शाक्य की रिपोर्ट।